इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, इकोनॉमिक्स के लेवल पर मतलब पैसे के लेवल पर इनइक्वलिटी है सोसाइटी में, मतलब सबके पास इक्वल पैसा नहीं है, मतलब ये तो हो भी नहीं सकता वैसे, बट रिसोर्सेज भी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है कि वो इक्वल उसमें लेवल में आ सकें। तो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी रिफर्स टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इनकम एंड रिसोर्सेज अमंग इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स विद इन ए सोसाइटी। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का भी, इनकम का भी और रिसोर्सेज का भी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है ग्रुप्स में या सोसाइटी में। इनकम इनइक्वलिटी का मतलब ये है डिफरेंसेस इन अर्निंग फ्रॉम वेजेस, मतलब कुछ तो ऐसे हैं जो डेली लेबर पर काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो डेली के लाखों कमाते हैं, तो इनइक्वलिटी है सैलरीज में और अदर सोर्सेज में। हायर इनकम डिस्पैरिटी कैन लेड टू ए कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इनकम डिस्पैरिटी है मतलब कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा है कोई बहुत कम कमा रहा है, तो इससे होगा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ अमंग ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब जो टॉप लेवल के हैं किसी भी कंपनी में तो उनकी जो सैलरी है बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि जो वेल्थ है वो कुछ लोगों के पास ही ज़्यादा है, जैसे बिजनेस मैन है तो उनके पास ज़्यादा वेल्थ है और आम लोगों के पास बहुत कम है, तो इसका ये होगा कि वेल्थ इकट्ठा हो रही है छोटे लोगों के पास, मतलब पॉपुलेशन जो कम है नंबर में उनके पास ज़्यादा वेल्थ है, मतलब 10% के पास ज़्यादा वेल्थ है, 90% के पास उतनी ही है जितनी 10% के पास है, ये सोचो, तो सारी जो वेल्थ है वो एक्युमुलेट हो गई कम पॉपुलेशन में। वेल्थ इनइक्वलिटी वेरिएशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स लाइक प्रॉपर्टी कम है, स्टॉक कम है या सेविंग, तो ये भी इनइक्वल है, सबके पास है ही नहीं, किसी के पास बहुत ज़्यादा किसी के पास बहुत कम है। अपॉर्चुनिटी की इनइक्वलिटी है, ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही पा रही है तो इक्वल कैसे आएंगे वो। डिस्पैरिटीज इन एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोफेशनल एडवांसमेंट विच कैन परपेचुएट इकोनॉमिक इनइक्वलिटी अक्रॉस जनरेशंस, मतलब किसी को इतना रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं या इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही हैं कि वो उसी वहीं पर उसी लेवल में जनरेशन टू जनरेशन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी, अच्छी एजुकेशन नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो अच्छा पैसा नहीं मिलेगा, तो फिर वो वहीं रह जाएंगे, तो इसमें इनइक्वलिटी आएगी आएगी। फिर इम्प्लीकेशंस क्या है इकोनॉमिक इनइक्वलिटी के, सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, हाई इकोनॉमिक इनइक्वलिटी होगी तो इससे होगा क्या, सोशल टेंशन, समाज में मान लो किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है किसी के पास कम पैसा है तो टेंशन तो उनके बीच में होगी होगी कि वो देख के जलेंगे, उन्हें जेलस फैक्टर आ जाएगा। रिड्यूस सोशल कोहेसन, वो आपस पास कैसे रहेंगे फिर, क्योंकि उन्हें लगा तो बहुत अमीर इनके पास 5 गाड़ी मेरे पास 1 भी नहीं है, तो ये तो आएगा ही, इससे क्राइम बढ़ेंगे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, इनइक्वलिटी कैन हिंडर इकोनॉमिक ग्रोथ डेफिनेटली, क्योंकि कुछ लोगों के पास अगर ज़्यादा पैसा होगा तो वो कितना ही खर्च करेंगे, वो तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी इससे रुकावट आएगी उसमें भी।